भाभी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बताना, कोई भी चीज चाहिए मुझसे बताना, कोई भी आपको चीज चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत हो उसे मुझसे बताना, ठीक है? आप रेस्ट करो, अगर आप मुझसे नहीं बता सकते तो रॉक्सी से बोल देना, रॉक्सी से बोल देना, रॉक्सी जाकर माँ को बोल देगा या फिर मुझे बोल देना, लेकिन कुछ भी जरूरत होना तो आप बेझिझक बिना किसी सोचे समझे मुझे बताना, ठीक है? आप रेस्ट करो, ओके? नहीं नहीं चाची जी, इस लड़की का पुराना आदत है, जैसे मैं आती हूँ वैसे ही बीमार पड़ जाती है। Oh, मैं अपने ससुराल से आती हूँ 60 किलो का, यहाँ आते आते हो जाती हूँ 40 किलो का, समझती है? जैसे मैं आती हूँ वैसे ही बीमार पड़ जाती है चाची, ऐसा किसके साथ होता है? सोचती है आई है ननद, अपना करेगी, सबको खिलाएगी, सबको बनाएगी, ऐसा होता है चाची? जैसे मैं एंट्री मारूंगी वैसे ये बीमार पड़ जाएगी, बिना सोचे समझे, पता नहीं भगवान इसको बीमारी कहाँ से, मैं एंट्री करती हूँ इसको बीमारी कहाँ से लग जाती है। क्या? नहीं भाभी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आपके लिए। क्या बात कर रही हैं आप, आपकी जैसी भाभी थोड़े मिल पाएगी, ऐसे ऐसे 100 टॉप आपके लिए ला दूं, ऐसी ऐसी भाभी नहीं मिल पाएगी। और हाँ, अगर आपको ये टॉप रखना है ना तो एक दिन पहनकर जरूर दिखाइएगा, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे टॉप ना आपके लिए हजारों ला सकती हूँ, लेकिन ऐसी भाभी मुझे कहीं नहीं मिल सकती है ना रॉक्सी। भाभी अच्छी है ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना रॉक्सी। हाँ देखिए भाभी, रॉक्सी भी आपकी इतनी तारीफ करता है ना कि क्या बताएं। की बात पता है चाची, एक बार की बात, उसने हार पहना था, भाभी ने हार पहना था, मैंने उसके हार के तारीफ कर दी तो फट से जाके भैया से बोल दे रही है का कि आपकी ननद ना मांगने के लालच में मेरी हार की तारीफ कर दी। चाची एक बात बताओ, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं उसकी हार लूंगी, क्या मेरे को कमी है, मेरे ससुराल से कम मुझे मिला है जो मैं उसकी हार लूंगी? सोचो चाची उसकी थिंकिंग कैसी है, छी ऐसी, मतलब मैं उसकी छी ननद हूँ, मैं उसकी हार लूंगी, वो मेरी भाभी है चाची, वो सोच भी कैसे सकती है? सुंदर लग रहा था तो मैंने उसके हार की तारीफ कर दी और उसको लगा कि मेरी ननद मेरी हार की तारीफ की है मांगने के लिए। छी इसकी थिंकिंग देखो चाची, उसकी थिंकिंग देखो। भाभी ये क्या कर रही है आप? नहीं नहीं नहीं, अभी जल्दी बाहर रहिए, जल्दी बाहर रहिए, जल्दी आइए आप बाहर, जल्दी आइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे रहते हुए आप किचन में काम करेंगी? नहीं भाभी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए, तो नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जल्दी बाहर आइए, मेरे रहते हुए आपको किचन में काम करना पड़े ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए, आपको जो चीज चाहिए आप मेरे से मांगिए, अगर मैं नहीं दूंगी तो आप बोलिएगा। इतनी प्यारी मेरी भाभी और किचन में काम करेंगी भी इतना गर्मी में? रॉक्सी जल्दी मना कर भाभी को किचन से निकलने के लिए, जल्दी मना कर रॉक्सी, जल्दी, नहीं तो समझ लेना इतनी प्यारी भाभी और किचन में काम कर रही है, मैं तो ये देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाभी अब जल्दी निकलो। पता है चाची मेरी पनीर को ना इतनी ज्यादा तारीफ करती है, इतनी तारीफ, बड़े चाची मैं कहाँ अच्छा बनाती हूँ, पनीर में तो मैं मलाई डालती ही नहीं हूँ, ऐसे ही पनीर को भूज कर उसको सॉफ्ट भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। पता है कि मेरी पनीर की तारीफ करती है ताकि उसको बनाना ना पड़े, ननद आके बना कर दे दी, इसीलिए तारीफ करती है। आप समझती नहीं है, दिमाग का खेल है सब, जैसे मैं आऊंगी तारीफ कर देगी कि दीदी पनीर बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन क्या बताए चाची इतना गंदा पनीर में बनाती, बस काम करने के डर से ताकि उसको करना ना पड़े, इसीलिए समझी सोच उसकी, उसकी सोच। भाभी आप पागल उगल हो गई हैं का? आप मेरी भाभी हैं, सिर पर पल्लू लेकर क्यों घूम रही हैं आप? आप मेरी भाभी हैं, मेरी भाभी, आपको कोई भी पल्लू उल्लू लेने की जरूरत नहीं है घर में, इस तरीके से पल्लू, आप समझ लीजिए, आप, मैं आपके लिए शॉर्ट्स लाती हूँ, आप शॉर्ट्स पहनेंगी, आप पल्लू उल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे घर में रहती हैं, आप मेरी भाभी हैं, आप नहीं 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 नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, ससुराल है तो क्या हुआ, आप हमारी घर की बेटी हैं, बहू नहीं है, जो लोग मानते होंगे ना साड़ी में पल्लू लेकर घूमना उनके यहाँ चलता होगा, हमारे घर में नहीं चलता है, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपके लिए जा रही हूँ शॉर्ट्स लाने, आप शॉर्ट्स पहनेंगी, आप साड़ी और पल्लू नहीं रखेंगी, मैं जा रही हूँ, आप पागल उगल हो गई है का? अरे चाची हम लोग तो सिर्फ नाम के डॉक्टर रह गए हैं, सिर्फ नाम के डॉक्टर रह गए हैं,
असली डॉटर इन लॉ तो वो है, डॉटर इन लॉ तो बहू है माँ की पापा की। पता है चाची एक बार की बात क्या है, वो चाहती है ना कि इन दोनों बहनों को आउट कर दे और हम इन कर दे। सारा प्रॉपर्टी चाहती है ना कि पापा और माँ से सारा प्रॉपर्टी लिखवा ले और हम लोगों को ना बेघर कर दे। ऐसी उसकी थिंकिंग है चाची, ऐसी उसकी थिंकिंग है। और चाची एक बार की बात बताएं, एक बार की बात चाची आप सुनोगी ना तो आप हैरान हो जाओगी। मतलब चाची ये समझ लो ना कि हम लोग सिर्फ नाम का डॉटर रह गए हैं, अपने पापा और माँ का डॉटर इन लोग ना वही है। और चाहती है ना भैया के अपने सिर्फ तरक्की पर रखे, किसी की बात ना माने। वैसे तो भैया उसका सारा काम कहना तो मानता नहीं है, कोई भी काम बोले कोई भी चीज बोले भैया कभी ना जब बोलते, अब भी नहीं, नेवर नेवर, कभी नहीं। भैया तो कभी ना बोल ही नहीं सकता है, उसके इशारों पे जो नाचता है तन 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 तन। चाची हम क्या, और चाची एक घर में कुत्ता है ना, वो कुत्ता तो और अजीब हो गया है। चाची शादी से पहले सिर्फ मेरा ही बात मानता था, जैसे ही शादी हो गया उसका गुलाम हो गया, उसी का कहना मानता है, उसी का कहना सुनता है, मेरा कहना तो सुनता ही नहीं है, बस मेरी बुराई करता रहता है। भाभी आप रो रही हैं, भैया की जरूरत कैसे हुआ आपको रुला देने की, मेरे रहते हुए मेरी भाभी रो रही है। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए आपको भैया क्या बोला है, मैं अभी पापा से बोलकर उसका क्लास लगवाती हूँ। क्या बोला है आपको, बोली अच्छा प्याज काट रही हैं आप, आपको मेरे रहते हुए प्याज काटने की कोई जरूरत नहीं है, हटिए हटिए आप हटिए, मैं काटती हूँ प्याज। नहीं 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 नहीं, आप हटिए, मैं आपकी ननद हूँ, आप मेरे घर की भाभी हैं, इतनी प्यारी भाभी है, प्याज काट रही है। नहीं 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 नहीं, आप हटिए मैं काटूंगी प्याज। अच्छा ठीक है ठीक है। चाची एक दिन ना रोने लगी, मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो, तो पता है क्या बोल रही है, बोल रही है मम्मी का याद आ रहा है। उसको मम्मी का याद नहीं, उसको कुछ और ही, जो उसको ये लगा ना मेरी ननद यहाँ आ गई है तो अब उसको भी अपने मायके जाना था। उसको ये रहता है ना जो दीदी करेंगे वही मैं करूँ, जैसे दीदी अपने मायके आई है तो फट से उसकी अपनी माँ की याद आ गई। चाची यही सब है समझी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, वो सिर्फ ये चाहती है ना मेरी ननद यहाँ आई है तो अब मैं भी यहाँ से उड़ जाऊँ। भाभी अब भैया को झेल कैसे लेती हैं, पता है मम्मी क्या कहती थी कि इसकी शादी होगी ना तो इसकी बीबी भाग जाएगी, इतना ज्यादा सबको परेशान करते थे। अच्छा हाँ तो सुनना भी तो चाहिए, ठीक है इसीलिए तो सुनना भी तो जरूरी है, भैया सुन लेते हैं तभी तो आप उनको झेल पाती हैं, नहीं तो मम्मी और हम लोग सब परेशान हो जाते थे। हम लोग सोचते थे कि बाप रे बाप भैया के जिससे शादी होगी वो भैया को कैसे झेल पाएगी, लेकिन थैंक गॉड जो भैया आपका सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए है ना। भाई को नो भाभी मेरी बोलेगी रन रन गो गो, जैसे जैसे नचाएगी वैसे वैसे नचेगा, जैसे जैसे नचाएगी वैसे वैसे नचेगा। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं मेरा भाई उसके उंगलियों पर नाचता रहता है, ये मेरी भाभी है ये मेरा भाई है, उंगलियों पर नाचता रहता है दिन भर, कहेगी गो तो गो सिट तो सिट। मैंने तो सोचा ही नहीं था चाची कि मेरी भाभी ऐसा करेगी और मेरा भाई ऐसा निकलेगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या एक्सेप्ट करना, दूसरों से क्या एक्सेप्ट करना चाची, जब मेरा भाई मेरा क्या है चाची, मैं अपने दो दिन के लिए माँ से मिलने आई हूँ, मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल में रहूंगी, बस अपने माँ से मिलने आई हूँ, मिल लूंगी चली जाऊंगी, मुझे यहाँ कौन सा घर बसाना है। भाभी आप लोग न्यूली कपल हो, मूवी क्यों नहीं जाते हो आप लोग भैया के साथ। भाभी यार आप लोग न्यूली कपल हो, मूवी जाना चाहिए, कहीं घूमना चाहिए, कहीं फिरना चाहिए, यही तो टाइम है, एक बार बच्चा हो गया ना भाभी तो फिर आप लोग नहीं तो कहीं घूम पाओगे और ना कहीं आप लोग जा पाओगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। भैया के ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा है, अगर भैया ऑफिस से छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो आप मुझे बोलिए, मैं पापा से बोल के उसका क्लास लगवाती हूँ और वो अब भी छुट्टी लेगा और आपको ना हमेशा घुमाने ले जाएगा। अरे भाई यही टाइम है आप लोगों को मूवी देखने के लिए, देखिए रॉक्सी भी क्या बोल रहा है, रॉक्सी भी बोल रहा है कि भाभी लोगों को जाना चाहिए मूवी देखने, और आप लोग हो कि रॉक्सी घर का रखवारी कर लेगा ना, है ना रॉक्सी, और आप लोगों की जाते ही नहीं हो। भाभी
मम्मी और चाची लोगों का काम ही यही है बोलना बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो। अरे यार बिल्कुल नहीं, आप लोग अभी नए नए शादी हुआ है, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, मौज कीजिए। अभी अभी नया नया शादी हुआ है, फिर प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के हिसाब से बच्चा कीजिए। ऐसे थोड़े अच्छा लगता है शादी हो गया है और बच्चा हो गया, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के बाद बच्चा कीजिए, वो अच्छा लगता है। भाभी प्लीज आप फुल एंजॉय कीजिए, आपको कोई कुछ बोले कोई कुछ कहे सीधे आप आके मेरे से कहिए, सीधे किसी से नहीं, सीधे आप आके मेरे से कहिए, मैं देख लूंगी सबको। जैसे ही हॉल में कोई मूवी लग जाए तो ये मूवी देखना है, वो मूवी देखना है, दिस मूवी देखना है, दैट मूवी देखना है, फट से यहाँ जाना है वहां जाना है। वैसे मैं कुछ बोल दूंगी, भाभी इतना मूवी क्यों देखने जाती हो, मत जाया करो। बाप रे बाप, कमर में बांधने की दुपट्टा रखने के लिए आ जाएगी मेरे से, ये बात है। मेरे को क्या करना है, तुम्हारा पैसा, तुम जाओ। फट से बोलेगी छुट्टी ले लो, यहाँ चलना है, ये मूवी देखना है, ऑफिस से छुट्टी ले लो, यहाँ से छुट्टी ले लो, वहां से छुट्टी ले लो। हमेशा चाची का बताए, चाची मतलब चाची सिर्फ ये औरत ना मेरे भाई को नचाती रहती है, नचाती रहती है, नचाती रहती है, नचाती रहती है। मम्मी लेकिन तुम्हारा दो बेटी का शौक पूरा हो गया है ना चाची? नहीं नहीं देखिए तो भाभी को मेरा शक्ल मिल रहा है कि नहीं, सेम टू सेम है ना चाची, हम दोनों का शक्ल मिलता है ना। हाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, घर की ये बहू नहीं है बेटी है, आप लोग बहू मत बोलिएगा, सब लोग इनको बेटी बोलिएगा, ठीक है? आज के बाद से मम्मी तुम भी जान लो ये तुम्हारी बहू नहीं है, बेटी है। और हाँ जैसे आप हम लोगों का ख्याल रखती थी, रॉक्सी का ख्याल रखती थी, सेम टू सेम भाभी को भी आपको अपनी बेटी की तरह ही रखना पड़ेगा। चाची माँ को ना बच्चे के लिए ये लोग तरसा दिए हैं, जब भी माँ बोलती है बच्चे के लिए, हमारा एज नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ है, शादी करने के लिए एज हो गया था और बच्चे पैदा करने के लिए एज नहीं हुआ है। प्लानिंग करेंगे कब बच्चा करेंगे, अभी एक साल हो गया चाची शादी का, एक साल हो गया, एक साल में किसी का बच्चा भी हो गया, एक साल में अभी प्लानिंग ही नहीं हुआ है। बोलती है क्या मेरा एज ही नहीं हुआ है, एज ही नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी यहाँ का मेरा है, वहाँ का मेरा है, यहाँ का मेरा है, प्रॉपर्टी लेने के लिए एज है, सब चीज करने के लिए एज है, और बच्चा पैदा करने के लिए एज नहीं है। नहीं चाची ये औरत ना क्या है, से मैं क्या बताऊँ आपको, ये बताओ चाची सब चीज हड़पने के लिए, सब चीज हड़पने के लिए एज है और बच्चे पैदा करने के लिए एज नहीं है, हाँ? तरसा दी है सफा माँ को, तरसा दी है बच्चा के लिए। आंटी पहले हम लोगों का परिवार पूरा कहाँ था, सिर्फ चार लोग ही तो थे, अब जाके हमारा परिवार पूरा हुआ है भाभी के आने के बाद। पहले तो चार लोग रहते थे, सुखी परिवार कहाँ था हमारा, भाभी के आने के बाद हमारा परिवार इतना सुखी हो गया है। चाची चाची आप इतना आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए ना कि हमारा परिवार एकदम हमेशा खुशी रहे, सुखी सुखी रहे, क्योंकि ना हमें ना भाभी आ जाने के बाद ना हमारा घर इतना सुख और शांतिमय लगता है ना कि चाची मैं आपको क्या बताऊं। चाची आप लोग ना ऐसे ही आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखना, ठीक है? क्योंकि ना भाभी को ना अभी आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी वो इंजॉय कर रही है ना, शादी को फुल इंजॉय कर लेने दीजिए और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है ना भाभी, फुल इंजॉय हो रहा है ना? देखिए रॉक्सी भी क्या बोल रहा है, फुल इंजॉय हो रहा है ना, मस्ती में इंजॉय कीजिए अपनी शादी को, आप किसी का टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं आपके साथ, आपको कोई कुछ बोले आप मेरे से आके बोलिए, अपने ननद से आके बोलिए। अच्छा मिर्ची नहीं है, भाभी को बुला दी, मिर्ची गलती है, अगर कैंची नहीं होगा ना तो बुला देंगे हम भाभी को, जबान उसका कैंची की तरह कचर 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 चलता है, समझी? और हाँ क्या बताऊँ, मेरी माँ के और मेरी चाची के आज तक झगड़ा नहीं हुआ है और ये कचरती रहती है, दिल झकड़ती रहती है। अगर आपको कैंची की जरूरत हो ना तो आप बोल दीजिएगा, उसको बुला देते हैं, वो कैंची की जैसी उसकी जुबान हमेशा कचरती रहती है। और हाँ जितना भी उसको मतलब क्या बोले उसके बारे में, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी वो निकलेगी, सिर्फ जब भी उगलती है जहर ही उगलती है।